आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर शहर के खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों व खेल से जुड़े संगठनों के साथ साथ जिला हॉकी संघ व क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ताओं ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही मेजर ध्यानचंद जी द्वारा खेलों को दिए गए योगदान को भी याद किया गया। साथ ही खेलों के क्षेत्र में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई। क्रीड़ा भारती ने इस अवसर पर 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की। इस मौके पर जिला हॉकी संघ के ब्रजेश दुबे, वरिष्ठ पत्रकार व पूर्व हॉकी खिलाड़ी महावीर सिंह तोमर, समाज सेवी पुष्प राग शर्मा, मोहन सोनी, क्रीड़ा अधिकारी सुरेंद्र पाल सिंह, अमित प्रताप कुशवा, क्रीड़ा भारती के सचिव तरुण पाठक, महासचिव गौरव ग्वाल, उत्कर्ष परमार सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई 8 करोड़ की लागत से बनी जंजाली मकसूदनगढ़ सड़क। बनने के बाद महज 8 महीनों में ही उखड़ गई। ये सड़क बनने के बाद महज 8 महीने भी नहीं टिक पाई, ये करोड़ों की सड़क। अब इसे भ्रष्टाचार की भेंट ना कहें तो क्या कहें। बता दें कि जंजाली मकसूदनगढ़ सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं सड़क पर हो रही थी, जिसके चलते आनन फानन में 8 करोड़ की लागत से जंजाली मकसूदनगढ़ सड़क को बनाया गया। पर हैरान करने वाली बात तो ये रही कि 8 करोड़ से बनी ये सड़क महज 8 महीने भी नहीं टिक पाई। स्थानीय लोगों ने बताया कि महज 30 से 40 दिन में ही सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस संबंध में संबंधित अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उधर जगह जगह सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण घटना दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। लगभग 30-40 दिन पहले बना हुआ है ये रोड, और लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से बना है, और प्रशासन ने इसमें भारी लापरवाही बरतने के कारण इसमें आज बरसात होते ही जो है जगह जगह ये टूट गया है। बाईपास पे भी जगह जगह टूट चुका है, पुलियाँ टूट चुकी हैं। इसमें भारी लापरवाही बरतने के कारण ये रोड जगह जगह टूट गया। जंजाली से मकसूदनगढ़ के बीच में क्या हालात हैं? जंजाली से मकसूदनगढ़ में भी के बीच में भी जगह जगह पर ये रोड धस गया है। पुलियों की साइड पर भी ये टूट चुका है कई जगह। इस वजह से आवागमन में भारी परेशानियां का सामना आम नागरिकों को करना पड़ रहा है, जिससे कभी भी दुर्घटनाओं की संभावना लगभग इस रोड पर बनी हुई है। सर्व समाज की बैठक संपन्न कर बनाई SC ST एक्ट के विरोध में रणनीति। दिनांक 29 अगस्त को अग्रवाल धर्मशाल में सर्व समाज की बैठक SC ST एक्ट के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए की गई, जिसकी सूचना केवल व्हाट्सएप पर ही दी गई थी, लेकिन जिसको भी जहां से खबर लगी हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर उक्त बैठक में हिस्सा लिया। बैठक को सभी वक्ताओं ने संबोधित कर अपने अपने अमूल्य विचार रखे। साथ ही यह भी तय किया गया कि आगामी 6 सितंबर को सुबह ठीक 11 बजे प्रताप छात्रावास प्रांगण में सभी वर्ग समुदाय, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सभी समुदाय मैं परिवार के साथ एकत्रित होगा, और करीब 10,000 लोगों के जनसमूह के साथ एक रैली के माध्यम से ज्ञापन सरकार को चेतावनी के रूप में दिया जाएगा। यह भी बताया गया कि विरोध प्रदर्शन पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहेगा, जिसमें सभी एक सभ्य समाज के होने का परिचय देंगे। वहीं यह भी कहा गया कि सभी अपनी आवाज को इतना बुलंद करेंगे कि संसद के मंदिर में हमारे द्वारा चुने गए 545 सांसदों की नींद खुल जाए, उन्हें एहसास हो जाए कि हम ये तालिबानी अध्यादेश लाकर देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, जिसके कारण वर्ग विशेष में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। वहीं यह भी बताया गया कि संपूर्ण 6 सितंबर को बंद रहेगा। सभी ने स्वेच्छा से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने पर भी सहमति जताई। आज हम इस सभा गृह में इस बात की कसम लेके जा रहे कि हमारे किसी भी साथी के साथ इस बिल का दुरुपयोग होगा तो हम थोड़ा में से ईद से ही बढ़ा देंगे। इसका निर्णय बाद में होगा, लेकिन इस बिल का दुरुपयोग हम अपने साथी पर नहीं होने देंगे। आपको खबर लेना पड़ेगी पिछले 10 दिनों में जिस तरीके से केस
को का दुरुपयोग हुआ है। हम सब लोग व्हाट्सएप और फेसबुक और मीडिया के माध्यम से हम लोग अवगत हो रहे हैं। रोज महीने के इस प्रकार दंड हो रहे हैं। साथियों, एक विनम्र निवेदन जो आपसे है कि इस सभा का जो आयोजन किया गया है वो सभा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एससी एक्ट की बिल है। इसके अलावा हमें किसी भी दूसरे विषय पे किसी भी पार्टी के विषय से उसमें कोई भी नेता के उसमें कुछ नहीं बोलना है। हम सिर्फ बिल की बात करेंगे और आपसी सामंजस्य और एकता की बात करेंगे। हम लोग उस दिन हमें पूरी ताकत अपनी दिखाना है। भले ही हम एक दिन के लिए अपने काम धंधे व्यापार नौकरी सब बंद करें, लेकिन हम लोगों को छोरा छोर मैदान में आना पड़ेगी। हमें इस कार्यक्रम को आगे राष्ट्रपति महोदय एवं केंद्र शासन से निवेदन किया जाएगा कि जो ने दमनकारी नीति अपनाई है उस नीति को बदले या जिस एक्ट में जो धारा एक और सम्मिलित किया है कि जिनने शिकायत की है यदि वो झूठे साबित हुए तो उनको 10,00,000 का जुर्माना और 10 साल की सजा की जाए। ये हमारी मांग है और इस मांग के संबंध में आज यहाँ सब इकट्ठे हुए। यदि शासन मांग नहीं मानती तो ये उग्र रूप धारण करेगा। हम अभी हाथ जोड़ के निवेदन सबसे करेंगे। 6 तारीख हो सकता है आज जोड़ के ही बाजार बंद और राष्ट्रपति को क्या बंद दिया जाए। 6 तारीख को जैसे अपन ने मतलब भारत बंद का आह्वान दिया है, अगर अपनी मांगों को अभी अगर गौर नहीं किया गया तो आगे इसके मतलब कदम क्या होगा? आगे आज मीटिंग में डिसाइड होगा कि आगे क्या स्टेप उठाएंगे उसका। और जो हमारा निर्णय उसके संबंध बैठक है, जो भी होगा आपको सूचना दे दी जाएगी। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शासन द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से एक है रोल प्ले योजना। ये एक ऐसा माध्यम है जहां बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभाओं को निखार आ जाता है। इसी कड़ी में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया रोल प्ले प्रतियोगिता। जिला स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने अपनी विभिन्न प्रस्तुतियां दी। इन प्रतियोगिता में डांस, नाटक एवं अन्य विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल रहीं। आज इस स्कूल में जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं को रखा गया, जिसके बाद चयनित छात्र छात्राएं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। अच्छा ठीक है, इन्हें पहला नंबर आपका देगा। ये मैंने दिया तुमको पल फूल छाया, तू तो सदा और ये प्रतियोगिता रोल प्ले प्रतियोगिता है जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए रहती है। और इसमें बच्चे अपनी विद्यालय की यूनिफॉर्म में उस रोल को प्ले करते हैं, एक्ट को प्ले करते हैं। इसमें जनसंख्या शिक्षा है, पर्यावरण है, जल संरक्षण है। इस बार इसमें 2 तरह के वो रखे गए हैं, रोल प्ले और इसमें नृत्य वाला का रखा गया है। तो इस तरह के 2 कार्यक्रम हैं। इसमें ब्लॉक लेवल पहले विद्यालय पर ये प्रतियोगिता संपन्न हुई है, उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रही है।
इसके बाद राज्य स्तर पर बच्चे जाएंगे जो सिलेक्टेड। सर ये प्रतियोगिता मतलब आज की है, इसके आगे भी चलेगा जी? मतलब आज के लिए ही है, आगे नहीं, आगे भी जाएंगे। राज्य स्तर पर भी बच्चे जाते हैं, गुना से जाते हैं बच्चे, उसको पुरस्कार रहता है, बच्चों को प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार रहते हैं, तो वो उनको बच्चों को प्राप्त होते हैं। RS के इसके लिए राशि मुहैया कराता है। प्रदेश सरकार द्वारा गरीब असहाय बुजुर्गों के लिए शुरू की गई तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आज गुना मुख्यालय से तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को रवाना किया गया। तकरीबन 110 श्रद्धालु तिरुपति बालाजी दर्शन करने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ट्रेन से रवाना हुए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारिक के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी 110 यात्रियों को फूल माला पहनाकर उनकी अच्छी एवं सुखद यात्रा की कामना की। कौन के द्वारा आपको भेजा रहा है? योजना के द्वारा। इसके पहले आप कभी यात्रा पर गए किसी? नहीं जा रहे। इस तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा चालू की गई इस यात्रा के लिए तिरुपति बालाजी के लिए 110 यात्री गुना जिले से जा रहे हैं। ये यात्रा तिरुपति के लिए जाएगी और सभी यात्रियों का हमने यहाँ माल्यार्पण कर स्वागत किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सब लोग सानंद यात्रा करके पुनः अपने घरों पर लौटें। SUCI के बैनर तले जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन स्थानीय नगर पालिका के सामने किया गया। इस धरना प्रदर्शन में अपनी विभिन्न मांगों के साथ साथ इनकी मुख्य मांगें रही बिजली के बढ़ते दामों में कटौती की जाए, साथ ही शिक्षक भर्ती दोबारा शुरू की जाए, राशन की दुकानों में फैली अव्यवस्थाओं को खत्म किया जाए, शासन की किसान विरोधी नीतियों का विरोध करना एवं शराब व अन्य तरह के नशे से शहर को मुक्ति दिलाना। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन आज जारी रहा। गाँव का किसानों के बच्चे शिक्षित हो, साथी में इसलिए इन लोग लगातार बच्चों की नींव कमजोर कर रहे हैं। जो अभी बच्चों को बिना पढ़े पास किया जा रहा है, पास फेल सिस्टम को लेके ऑल इंडिया टीचर्स जो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन चला रहा है, लेकिन सरकार इसको शुरू करने के हक में नहीं है। लेकिन ऑल इंडिया टीचर्स जो पूरे प्रदेश में एडमिशन दिया जाए, इस आंदोलन को लगातार ऑल इंडिया डीएसओ उठाता रहेगा और आगे भी इसी क्रम में आंदोलन चलता रहेगा। उन्हीं मांगों के साथ में इसी बात को लेकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ऑल इंडिया डीएसओ जिंदाबाद। विगत कई वर्षों से लगातार बूढ़े बालाजी मंदिर के समीप चलती आ रही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इस बार भी किया गया, जिसके चलते सागर से आए संजय जी महाराज, वहीं इस कथा की शुरुआत आज से की जाएगी। इससे पहले जयस्तम चौराहे स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से एकत्रित जुलूस के माध्यम से महाराज जी को कथा स्थल पर ले जाया गया। इस मौके पर विभिन्न श्रद्धालु मौजूद रहे। Oh,
साथ ही महाराज जी आते हैं, भोले बाला जी के मैदान है मंदिर के सामने। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।